मेरा नाम लेरूलाल, पिताजी का नाम श्री डालचंद जी बागोरा, गांव राजस्थान मेरठा गांव का है। नौकरी फिर छोड़ दी, फिर दूध का धंधा चालू किया। तीसरी मंजिल पे दूध लेके जाना पड़ता है पंसरा भर के। पहले मैं एक मिनट में ऊपर चला जाता था, एकदम धीरे धीरे बाढ़ते बाढ़ते मेरे को बीच में सांस फूलने लगी, एड़ी भी दुखने लगी, पांव दुखने लगा। मेरा डायबिटीज भी था, मेरा डायबिटीज तो हो गए कम से कम 15 साल के आसपास में। घरेलू डॉक्टर है उनके पास गया, एंजियोग्राफी करी, उसमें बोला कि आपको 3 जगह ब्लॉकेज, ऑपरेशन होगा जो ही, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। फिर मेरे जी बड़े जिया जी हैं, उनने भी यहाँ पे इलाज चल गया था माधोबाग में, तब उनने बोला आप माधोबाग में वहाँ चलते हैं, वहाँ करवाते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, ऑपरेशन से आज शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से ऑपरेशन नहीं करवाना, और इसे ही ठीक हो जाए। फिर हम माधोबाग दवाखाने गए, उसके बाद में फिर मतलब उनने मेरे को समझाया, एक तो खाने के लिए मैं पूरा बताया, और इसमें मेरे बच्चों ने मेरी मिसेज ने पूरा साथ दिया, टाइम टू टाइम बराबर मतलब मेरी केयर करी। उसके बाद में वहाँ गया दवाखाने में, पंचकर्म के बारे में बताया, फिर वो पंचकर्म भी किया, ECG वगैरह करी, सब मतलब धीरे 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 नॉर्मल होता गया। बीमार हुआ अच्छे हो गए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बच्चे की शादी करी तो बहुत खुशी खुशी से करी, ठीक हो गए तो आज में सब पहनना ओढ़ना आदमी के पीछे सब अच्छा लग रहा। 1 साल ट्रीटमेंट चला, और उस टाइम में मेरा VO2 9 था, अब 36 हो गया। उसके बाद में HB1 पहले 8 था, अब 6 हो गया। मेरी पहले 68 किलो वजन था, अभी मेरा 62 किलो वजन है। बाद में वहाँ पे दवाखाना में GTT टेस्ट जो हुआ है वो भी मतलब अच्छा हुआ, तो ये दवाखाने में मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और डायबिटीज़ भी मेरी नॉर्मल हो गई। जो वहाँ के है मतलब स्टाफ वगैरह उनने भी बहुत अच्छा मतलब उन्होंने वो साथ दिया। मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौहान, रामबाग क्लिनिक हेड। हमारे जो पेशेंट है लेहरूलाल वागोरा जी, वो जब हमारे यहाँ आए तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम, साथ साथ डायबिटीज़ भी उनका ज़्यादा था, पर जैसे ही माधोबाग की ट्रीटमेंट उन्होंने चालू की, धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा। उनकी जो सांस फूलने की तकलीफ थी वो भी कम होते गई, शुगर लेवल अच्छे रहते गए। उनका VO2 max जो था, जो 19 था, वो लगभग डबल हो गया, जो 36 हो गया अभी। ऐसे ही उन्होंने सब चीज़ें हमने जैसे बताया वैसे फॉलो करते गए, और अभी वो बहुत हैप्पी है। अब मैं डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम से बिल्कुल आज़ाद हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं।